मैं सारा खर्चा करके अपनी वाइफ नूं बाहर भेजा सीगा जी आइलेट्स करा के। वो बाहर यूके विच गए हुए है जी, हुण बाहर यूके गया नूं इन्हां दस नौ दो दस साल हो गए जी गया नूं। लेकिन सर मेरा जो तो बच्चा मेरा बाहर पैदा होया जी दो लेकिन सर लड़की ने बिना डिवोर्स किए मेरा जी उद मैरिज करा ली है जी 3/7/2021 नूं जी किसी अली नमक मैं तो सर प्रूफ है जी। कंप्लेंट की कोई तुसी? जी सर मैं कंप्लेंट की अपने डीसी साहब जी। सर मामला मेरी मैरिज है जी, जो कि अपनी मेरी पत्नी सर मेरा विआह होया सीगा 27/6/2010 नूं जी। मैं सारा खर्चा करके अपनी वाइफ नूं बाहर भेजा सीगा जी आइलेट्स करा के। वो बाहर यूके विच गए हुए है जी, हुण बाहर यूके गया नूं इन्हां दस नौ दो दस साल हो गए जी गया नूं। लेकिन सर मेरा जो तो बच्चा मेरा बाहर पैदा होया जो वाइफ भी गया है ऑलरेडी प्रेगनेंट फिर 7 months जी वो बाहर चल गया है जी। लेकिन उस तो बाद सर मेरा थोड़ा रिश्ता खराब होना शुरू हो गया सीगा जी। लेकिन सर मैं फिर अपने रिश्ते में खिच गया कोई गल नहीं जी, मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहता अपना कि मेरा बच्चा है और मेरी वाइफ हैगी है। अभी इससे पैसा बहुत ला चुके थे इससे बाहर पक्के कराने वास्ते जी। कि पैसा लगा जी सर? मेरा 20-22 lakh खर्चा आ चुका है जी। प्लस सर मेरे कुछ गहने से अपने घर जी सोना से जी मेरा वो जो वाइफ से आए थे ये इतने एक बड़ी आ चुके हैं जी, धक्के सर जी वास्तव लैके आए थे पैसा लगा लै गए है जी, मेरा गहने कट लै गए जी। सर स्टडी बेस बाहर गए भेजे थे आइलेट्स करा के जी। सर आइलेट्स मैं खुद कराई थी, बीए मैं खुद कराई है जी। लेकिन सर मैं फिर भी अपने रिश्ते में बचाने वास्ते काफ़ी टाइम सब कुछ ज्यादा रहा जी, एयर मिसबिहेव मूव कर रही मैं ना, लेकिन एक मिसबिहेव मैं ज्यादा रहा। रिलेशन सर प्रॉब्लम यही आई है जी, मेरे वे पास टीचर है जी, मेरे भाभी टीचर है, उन्होंने कोठी पाई सर उन्होंने, डैडी मेरे सर बिजली मैंने काम करते थे रिटायरमेंट हुए थे उन्होंने को कुछ पैसा से। लेकिन सर पैसा सारा कुछ इन्होंने उपर लाया भी मेरी वाइफ उपर, मेरे बदल में एक पैसा नहीं दिता जी उन्होंने, उन्होंने अपने लोन चाह के कोठी पाई हुई है जी। लेकिन सर जो मेरे सहुरे परिवार है वो इन्हों ही कह रहे थे तेरे सर सारे चक्के पैसे वे भरा देते है तो वैसे कुछ नहीं लाया है तो ना तेरा कुछ बनना है सर, रिलेशन खराब करते रहे। लेकिन सर हूँ कुछ लगा पता पिछले महीने सर 3/7/21 जी सर मेरा कोई चलता पाया अपने कुछ मानजोग अदालत ने कुदर बच्चे लुधियाने जी जिससे मैं तरीका भोग रहा। लेकिन सर लड़की ने बिना डिवोर्स किए मेरा जी उद मैरिज करा ली है जी 3/7/2021 जी किसी अली नमक मैं तो सर प्रूफ है जी। कंप्लेट की कोई जी? सर मैं कंप्लेट की अपने डीसी साहब जी NS Mal साहब उन्होंने को जी, असं उन्होंने को दो बार जा चुके हैं जी। लेकिन दूजी पार्टी जी मेरे सहुरा परिवार टाइम लैके वापस चल जाते हैं जी। हूँ सर साड़ी कल की तरीक फेज है जी 6/10 हूँ तुम्हें की मांग कर रहे सर? मंग मैं यह कहना मैं अपनी पत्नी बच्चे वसाना चाहना दोबारा जी, मैं उन्होंने चाहना मेरे को वापस आने जी, इतने रह के मैं तो इंडिया रहन आ गए जी। वाइफ जी है इतने वापस आई थोड़े को? मैं तो सर वापस आई इसे 2 दिन वास्ते जी। लेकिन सर वो 2 दिन इतने रहे हैं कोई मैं चंगी गलबात नहीं की, लड़ाई ही कर रहे जी। देखो जी मैं बतौर कमीशन के मैंबर मैनू कल मनजीत सिंह जिहड़ा पीड़ित आ वो एप्लीकेशन लैके मिलिया तो उन्हें अपनी सारी दुख भरी जिहड़ी आ दर्द भरी कहानी सारी मेरे सामने रखी तो मेरे मन में भी काफ़ी ठेस पहुँची। मनजीत सिंह के दसण मुताबक उसकी पत्नी सुखविंदर कौर जिदे नाल अज तो 10 साल पहले उन्होंने मैरिज हुई तो 7 महीने की प्रैगनेंट होने तो बाद परिवार ने यह सोच के उन्हें इंग्लैंड भेजा कि साडा जिहड़ा इहदे पेटों बच्चा आना आ वह उत्थों का सिटीजन बनेगा तो साडे परिवार को उत्थे जाण दा उहदे कारण करके मौका सुखाला मिल जाएगा। इस आस नाल इन्हां जिहड़ी अपनी पूंजीपति इकट्ठी की इन्हां दे बाप ने ते मनजीत सिंह हुणां दे समुचे परिवार ने वो सारी दी सारी उहदे ते ला के उहनूं इंग्लैंड भेजा। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਸੁਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ते आज ये सारी इन्हां दे परिवार की जिहड़ी कहानी सुन तो बाद संबंधित DSP जिहड़े इनकुआरी कर रहे नकोदर वाले उन्हां नूं स्पष्ट हिदायत कर दित्ती है कि कल तक इहदा ते परचा दर्ज करके मनजीत सिंह वल्लों बीबी सुखविंदर कौर ते हाँ जी ते उहदे परिवारक मैंबर जिहड़े इस कहानी 'च शामिल ने उहदी रिपोर्ट जिहड़ी आ कमिशन नूं दित्ती जावे ते इहदी स्टेटस रिपोर्ट जिहड़ी 16 अगस्त नूं कमिशन ने मंग ली आ वो डिप्टी साहब आप
कमिशन के दफ्तर चंडीगढ़ विखे खुद पेश हो के देंगे। इन्हां दी रिपोर्ट तो बाद कमिशन जिहड़ा उह लैटर विदेश मंत्रालय नूं लिखेगा कि उस बीबी सुखविंदर कौर जिन्हें धोखाधड़ी की इस परिवार नाल उन्हें रिपोर्ट करने लिए लिखा जाएगा। सकोर तो बाद ही जिहड़े इदां दे मामले चके जा रहे पहलां क्यों नहीं चके गए सीगे? देखो जी कमिशन दे ध्यान च पई बिल्कुल सच, ज्योतिष एक विद्या एक साइंस। एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी जी का सारी दुनिया नू खुला चैलेंज कि तुसी जिंदगी दी किसी भी समस्या तो परेशान हो, कि तुहाडे व्याह विच हो रही है देरी, कि तुसी संतान सुख तो वांझे हो, कि तुहानू तुहाडा मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, कि तुसी लाउणा चाहुंदे हो लॉटरी दा सही नंबर, कि तुहानू नौकरी नहीं मिल रही, कि तुहाडा वीजा नहीं लग रहा, कि तुसी विदेश च पक्का होना चाहुंदे हो, धन दी कमी, बीमारी तो परेशानी, घर बैठे बिठाए ही किया जाएगा तुहाडी समस्या दा समाधान फीस कम होने तो बाद। इन्हां सारियां समस्यावां दे पक्के हल्ले एक बार जरूर मिलो एस्ट्रोलॉजर बाबा धर्मिंदर जी जी नूं, जो करदे ने मुफ्त सेवा मुफ्त समाधान।